इतिहास में जिन लोगों ने कमाल की टेक्नोलॉजीज बनाई थी वो अब जिंदा नहीं है। इसका मतलब यह है कि हम उनसे कभी नहीं पूछ पाएंगे कि उन्होंने ये सब कैसे किया। और जिन तकनीकों के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ उन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, आप भी मेरे होश उड़ा सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके। एम करता हूँ 30,000 लाइक्स का। एक आर्मी में कैनन की कितनी जरूरत होती है ये हम सबको पता है, लेकिन इसका आविष्कार हजारों सालों पहले ऐतिहासिक लोगों द्वारा किया जा चुका था। और सही आंकड़ों में कहूं तो पहली कैनन 2300 सालों पहले बनाई जा चुकी थी और इन्हें बनाने वाले आर्किमिडीज लोग थे। हमें ये तो पता है कि लियोनार्डो दा विंसी ने पहली कैनन बनाई थी, लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता है कि वो हजारों सालों पहले तैयार किए गए एक ब्लूप्रिंट पर काम कर रहे थे जिन्हें आर्किमिडीज द्वारा तैयार किया गया था। लेकिन उस समय दिक्कत ये थी कि तब के लोगों को कहीं से बारूद नहीं मिल पा रहा था और इसकी जगह वो एक तांबे से बनी हुई ट्यूब में पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। इसके एक साइड में पानी का कंटेनर लगा होता था जिसमें से भाप का दबाव इस कैनन को चलाता था। उन लोगों ने इस कैनन का पहली बार इस्तेमाल रोमन लोगों पर किया था क्योंकि रोमन लोग उनका क्षेत्र हड़पना चाहते थे, लेकिन उसके बाद कभी भी इसे फिर दुनिया में नहीं देखा गया। और तब समय आया 15वीं शताब्दी का जब लियोनार्डो दा विंसी को उनका ये डिजाइन मिला और पूरे 1500 सालों बाद फिर से एक बार वैसी ही कैनन तैयार की गई, लेकिन अब की बार उसमें बारूद का इस्तेमाल किया गया। अगर मैं आपको कहूं कि आपको एक मंदिर या फिर एक चर्च बनाना है तो ऑब्वियसली आप उसे जमीन के ऊपर बनाएंगे, ना कि जमीन के अंदर। और तब क्या होगा जब मैं आपको कहूं कि वो आपको मंदिर सिर्फ एक पत्थर के टुकड़े से बनाना है तो आपका दिमाग हिल जाएगा। लेकिन ये काम इतिहास में लोग कर चुके हैं और ये आपको इथियोपिया के लालेबेला में मिलेगा। पूरी दुनिया में आपको एक पत्थर से इस तरह से बना हुआ चर्च कहीं दिखाई नहीं देगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि हजारों सालों पहले लोगों ने इस पत्थर को कैसे काटा और कैसे इतनी सटीक शेप इस पत्थर को दी गई। वैज्ञानिक आज भी ये पता नहीं लगा पाए हैं कि वो लोग कौन थे जिन्होंने इसे बनाया, और सबसे बड़ी बात इसे बनाने का आइडिया कहाँ से आया। लालेबेला में आपको इस तरह के पूरे 11 चर्च बने हुए दिखाई देंगे और ये 11 के 11 चर्च अंदर से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा इन सभी को सिर्फ एक पत्थर को तराशकर बनाया गया है। जब इन पर रेडियो कार्बन डेटिंग टेस्ट किया गया तो ये पता चला कि ये तकरीबन 900 से 1000 साल पुराने हैं। लेकिन मैं खुद भी अभी तक यही सोच रहा हूँ कि वो मशीन्स कौन सी थी जिनसे ये तैयार किए गए थे। क्या उनके पास कोई ऐसी खुफिया तकनीक थी जिसके बारे में हम आज तक पता नहीं लगा पाए हैं। काश ये सब हमें पता लग सकता। सिस्टेंस, मेरे ख्याल से आपने भी ये शब्द पहली बार सुना होगा, और जब मैंने इसके बारे में सुना था तो मैं भी इसके बारे में जानने के लिए बहुत एक्साइटेड था। ट्यूनीशिया में बनी कार्थेज साइट पर आपको कुछ ऐसी बहुत कमाल की चीजें दिखेंगी जिसके बारे में आप जानकर अपना सर खुजाने लगेंगे। असल में यहाँ आपको कई ऐसे पत्थरों से बनी हुई ट्यूब दिखाई देंगी जिनकी लंबाई 300 फीट से भी ज्यादा की है, और ये एक तरह का सीवर सिस्टम हुआ करता था जो पूरे शहर का कचरा और गंदगी अपने अंदर समेट कर रखता था। इन्हें आज देखना भी बहुत कमाल की बात है। समय के साथ साथ ये खत्म होती जा रही हैं। एक समय पर लोगों ने इन्हें रहने के लिए घर के तौर पर भी इस्तेमाल किया। 2000 सालों पहले बनाई गई ये सिस्टम्स लोगों द्वारा खेती के काम में भी लाई गई। जी हाँ, इनमें लोगों ने अलग अलग तरह की फसलें बोकर अपना काम चलाया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2000 साल पहले लोगों को इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाने की जानकारी कैसे आई और कैसे उन्होंने इन सभी टनल्स को आपस में एक साथ कनेक्ट रखा। इनकी मजबूती का अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं कि ये एक समय पर पूरी नदी के पानी को भी अपने अंदर समेट सकती थी। किस्मत से आज इस पूरे स्ट्रक्चर का ध्यान ट्यूनीशिया की सरकार द्वारा रखा जा रहा है ताकि आने जाने वाले लोग इन्हें और नुकसान ना पहुंचा सके। अब रोमन लोगों के पाइप सिस्टम के बारे में बात चल ही रही है तो मैं आपको पटारा पाइप सिस्टम के बारे में भी बता देता हूं, जो कि अब आपको टर्की में कुछ इस हालत में दिखाई देंगे। खैर, मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये पाइप्स आज भी बहुत विवाद में हैं क्योंकि हर कोई इनके बारे में अपनी अलग अलग राय देता है। एक बात पक्की ये है कि इन्हें रोमन लोगों द्वारा इस्तेमाल किया गया था, लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि ये पाइप्स बहुत पहले से यहाँ पड़े थे और इन्हें देखकर ही रोमन लोग इसके आसपास बस गए थे। दिखने में आपको ये बहुत अजीब से दिखेंगे क्योंकि इन्हें खुद से ना बनाकर बल्कि पत्थरों को छोटे छोटे हिस्सों में तराश कर बनाया गया था। सन 1993 में पटारा पाइप्स के पास एक रोमन पिलर पाया गया, लेकिन उस पिलर पर भी रोमन लोगों की गतिविधियों के बारे में लिखा हुआ था। साथ ही उसमें बताया गया था कि उन्होंने कैसे पुराने ऐतिहासिक रोड बनाए थे, लेकिन पटारा पाइप्स के बारे में पूरी दुनिया में कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ। अगर रोमन लोगों ने इसे क्लेम नहीं किया तो जाहिर सी बात है कि इसे इससे भी पहले की सभ्यता द्वारा बनाया गया था। जी हाँ, एक ऐसी सभ्यता जिसके बारे में हम कभी जान नहीं पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं भारत की और भारत में बने लपाक्षी गांव की। बेशक इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि इसे हम सभी को जरूर जानना चाहिए। यहां पर आपको ऐसी ऐसी ऐतिहासिक चीजें मिलेंगी जो चीजें पूरी दुनिया आज ढूंढ रही है।
लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन चीजों को बनाने वाली टेक्नोलॉजी आज तक वैज्ञानिकों को समझ नहीं आई। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा इंसानी पैर का निशान पत्थर में बना हुआ दिखेगा। ये पूरे 3 फीट लंबा है। इसे देखकर ये सवाल उठता है कि क्या इतिहास में लोगों के पैर कभी इतने बड़े थे? अगर थे तो वो कौन थे? इसे किन लोगों ने पत्थर में तराशा, इसके बारे में भी पता नहीं चल पाया है। इसके अलावा यहाँ पर सबसे हैरान कर देने वाली चीज आपको लटकती हुई दिखेगी। जी हाँ, ये एक पत्थर को तराश कर बनाया गया भारी भरकम पिलर धरती को नहीं छूता। लोग इसके अंदर से कपड़ा या फिर अखबार निकाल कर देखते हुए नजर आते हैं। अब अगर ये धरती को नहीं छूता तो यहाँ पर खड़ा कैसे है? जब अंग्रेज इंडिया में आए थे तब उन लोगों ने भी इस पिलर को हटाकर देखने की कोशिश की, लेकिन वो भी इस पिलर को नहीं हिला पाए। ये पिलर फिजिक्स के सभी नियमों को ताक पर रखते हुए ऐसे यहाँ खड़ा है। इसके अलावा इस पिलर पर कई ऐसे अजीब पैटर्न्स भी बने हुए हैं जिन्हें वैज्ञानिक अभी तक समझ नहीं पाए हैं। जरूर ये किसी अहम चीज की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन कोई भी आज तक ये नहीं जान पाया कि इन्हें कब, किसने और कैसे बनाया। ये पिलर ऐसे हवा में क्यों लटक रहा है? अब मैं बात करने वाला हूँ मर्डोफ गोल्ड डिस्क के बारे में, जो कि जर्मनी के एक म्यूजियम में आज रखी हुई है। लेकिन इसके बारे में कहा जाता है कि सैकड़ों सालों से लोग इसके बारे में गलत अफवाहें उड़ाते आए हैं। सबसे पहले तो इस गोल्ड डिस्क को एक किसान द्वारा अपने खेत में ढूंढा गया था। उस किसान ने सन 1910 में इस डिस्क को अपने बेटे के हाथों में सौंप दिया। तब कुछ समय बाद उनके घर पर पुरानी चीजों की जानकारी रखने वाला एक आदमी आया और उसने बताया कि ये चीज शायद बहुत कीमती हो सकती है। कुछ पैसे देकर उस आदमी ने इस डिस्क को खरीद लिया और एक म्यूजियम के हाथों बेच दिया। म्यूजियम वालों ने इस पर बहुत तगड़ी जांच बैठाई। वैज्ञानिकों के अनुसार ये गोल्ड डिस्क तकरीबन 3500 साल पुरानी है, मतलब इसे ब्रॉन्ज एज में बनाया गया होगा। और ये कोई आम डेकोरेटिव आइटम नहीं था, बल्कि ये तो एक ऐतिहासिक एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर था। इसकी डिस्क पर बने डिजाइन्स ग्रहों की चाल को दर्शा रहे थे। और सबसे कमाल की बात ये थी कि इस डिस्क में भी 9 ग्रहों की बात की गई थी। लेकिन हम आज तक किताबों में यही पढ़ते आए हैं कि यूरेनस ग्रह को 1781 में सबसे पहली बार खोजा गया, जबकि नेपच्यून को 1843 में और प्लूटो को सन 1930 में सबसे पहली बार देखा गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि जब इन सभी ग्रहों को अभी सबसे पहली बार ढूंढा गया था तो इस डिस्क पर बने 9 ग्रह कौन से थे? क्या इस डिस्क को बनाने वाले इंसान को पहले से ही इन सभी ग्रहों के बारे में जानकारी थी? और अगर थी तो वो तकनीक कौन सी थी जिसके सहायता से 3500 साल पहले लोगों ने इन ग्रहों को देखा था? म्यांमार में बना क्वेक्तियो स्तूपा आज फिजिक्स के नियमों को ताक पर रखकर एक चट्टान के ऊपर खड़ा हुआ है। अगर आप इसे एक नजर में देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये चट्टानी पत्थर अभी पहाड़ से नीचे गिर जाएगा, लेकिन हजारों सालों से ये पत्थर ऐसे ही यहाँ खड़ा है। ना सिर्फ आज के लोग बल्कि हजारों सालों से लोग इसे देखकर हैरान होते आए हैं। इसकी ऐसी शक्ति को देखकर आज लोगों ने इसे पूरी तरह से सोने से ढक दिया है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इस पत्थर पर ग्रेविटी अपना काम क्यों नहीं कर रही? क्योंकि इस पत्थर के नीचे या आसपास ऐसा कुछ नहीं है जो इसे पकड़ कर रखे, तो फिर ये पत्थर नीचे क्यों नहीं गिर रहा? आज ये पत्थर पूरी दुनिया में रहने वाले बौद्ध धर्म के लोगों के लिए पूजनीय माना जाता है। लोग मानते हैं कि ये सैकड़ों टन वजनी पत्थर अगर भगवान बुद्ध के एक बाल के सहारे अटका हुआ है। खैर चाहे जो भी बात हो, लेकिन मुझे ये पत्थर सच में बहुत अजीब और कमाल का लगा। क्या आप भी इसे देखकर हैरान नहीं हुए? कमेंट्स में मुझे जरूर बता दें। खैर पिछली वीडियो का शाउट आउट दीप चक्रवर्ती को एंड कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में मुझे जरूर बता दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।